हेलो दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं दर्शन सोनी और आप देख रहे हो दर्शनेक। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्नेक, कि सांप को कैसे पहचाना जाए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऐसा बता रहा है कि दर्शन भाई, आप जो वीडियो रख रहे हो सही है, पर उसको पहचाना कैसे जाए। तो सबसे पहले पहचाना जाता है कि जो जिस व्यक्ति ने हमको कॉल किया है उसको पहले पूछना चाहिए कि वो कौन सा कलर का है, उसकी साइज कौन सी है, वो कैसा दिखता है, वो कितना चौड़ा है, उसकी स्पीड कितनी है। उसके हिसाब से आपको 50% अनुमान आ जाता है कि वो कौन से वाला स्नेक हो सकता है, या जहरीला हो सकता है, या फिर नॉन पॉइजनस हो सकता है, या फिर वो किस किस्म का हो सकता है। तो चलिए फिर, अभी तो यहाँ पर उन्होंने मेरे व्हाट्सअप किया है, पर व्हाट्सअप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं, शायद मेरे अनुमान से लग रहा है कि ये वुल्फ स्नेक हो सकता है, या फिर सर फिर देखते हैं। अब भी देख लीजिए कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले जब तक आपने उसको देखा ना हो तब तक उससे बहुत ही ज्यादा दूरी बनाए रखें, और उसको ऐसे ही माने कि वो एक पॉइजनस स्नेक है, या क्योंकि अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो वो किसकी कौन से किस्म का है। तो कृपा करके उससे दूरी रहे और उस दूरी बनाए उसको रिसीव करने की ट्राई कीजिए। चलिए उसको देखते हैं। अभी तो मैंने उसको देखा नहीं कौन से वाला है, तो फिर उसके हिसाब से ओके आ जाइए। ओके, एक नॉन वेनम स्नेक है जिसको बोलते हैं चेकर किलबैक और मीठे पानी का सांप। ये भाग गया तो बहुत मेहनत करवाएगा। मीठे पानी का सांप है और थोड़ा निकालिए उसकी कलर देख सकते हो। उसकी जो त्वचा है उस पर से ब्लैक दिख, तो धब्बे देख सकते हो, बहुत ही अलग अलग धब्बे होते हैं। ये कभी कभार रेड कलर का होता है, कभी कभार ग्रीन कलर का भी होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होता है। चलिए फिर दिखाता हूँ नजदीक से उसका मुंह, ताकि आपको ज्यादा पहचानने में आसानी हो। देखो, एक इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो रोल करता है भागने के लिए। ओके ओके, और ये बहुत ही ज्यादा काट रहा है। काटने की जो है इसकी प्रक्रिया है बहुत ही ओके, देखो तो वो रोल कर रहा है अभी। ओके ओके, चलो फिर उसको हेड कैच करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो ओके, देख सकते हो आप किस तरह बैठ करने की ट्राई कर रहा है। ओके, देख सकते हो आप। ओके चलो, आसानी से आ गए। ओके, देख सकते हो, नजदीक आ जाइए। इसका मुंह देख सकते हो, यहाँ पर ब्लैक धारी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है। इसकी दो धारियाँ हैं और उसकी आँख देख सकते हो, गोल है, गोल हरे रंग की गोल आँख है उसकी। और उसके माथे पे देख सकते हो, अब ये इसका कलर ब्लैक कलर है, ये ग्रीन कलर का है बहुत ही। और देख सकते हो ये इसका कलर पीछे वाइट है, ब्राउनिश टाइप का। और इसका मुंह देख सकते हो आप, आगे से पानी वाला है, देख सकते हो यहाँ से दोनों ओर से, और पीछे से ये त्रिकोण आकार का देख सकते हो। एक नॉन वेनम स्नेक है, इसको बोलते हैं मीठे पानी का सांप, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में वाटर स्नेक। ये गुजरात में पाए जाने वाले बहुत ही आम सांप है, जहाँ पर नदी नालियाँ हो, छोटे मोटे तालाब हो, और जहाँ पर नम वाली जगह हो वहीं पर पाया जाता है। और इसको ये ज़्यादातर खाने में मेंढक लेता है, कभी कभार चूहे भी लेता है, और मछली ये बहुत ही इसको पसंद है। हालांकि ये ज़्यादातर अपना समय पानी के अंदर में बिताता है, और नम वाली जगह पर जहाँ पर इसको अच्छा सा खाना पानी मिल सके उसको पानी में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चले फिर इसको कर लेते हैं रेस्क्यू और छोड़ देंगे इसकी नेक्स्ट जगह पर। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि उसकी मैं आपको बात ही नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसकी बदबू है। इस वजह से भी इसको पहचाना जा सकता है, इसकी बदबू बहुत ही जानलेवा है। और दूसरी बात है कि आप साफ पानी से या फिर साबुन से भी धो लो, फिर भी ये वास नहीं जाती आपके हाथ से एक दिन तक। चले फिर इसको रख देते हैं डब्बे में। ओके ओके, चलो चले फिर मिलते रिलीज टाइम पर। वेलकम फ्रेंड्स, आगे हम इसको रिलीज करने के लिए। रिलीज करने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये वाटर स्नेक है और गुजरात में हर जगह पर पाए जाने वाला एक आम सांप है। और मेरी आपसे विनती है कि अभी आप वीडियो जो देख रहे हो पहले उसके अच्छे से R&D करें, यानी कि जो भी आप सांप पकड़ने के लिए या फिर सुखने के लिए चाहते हो, तो फिर उसके पहले
आपको बहुत ही ज़्यादा मुहावरा और बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना आएगा। मेरे वीडियो के हिसाब से आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी देख रहे हो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिकल उसको देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जगह पर आप साफ करने के लिए चले जाओ। पहले सबसे पहले आपको वहीं के जो लोकल रेस्क्यूअर हो उसके साथ जाओ, जो आपसे सीनियर हो उसके साथ रहो, उसके साथ हेल्पर में रहो, और उसके बाद आप सीखो। तुरंत आपको कहीं पर भी ट्राई नहीं करना है, पहले आपके आपसे सीनियर से सीखना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है। तो चले फिर छोड़ देता हूँ एक शेखर किलबेग को, घर के अंदर आ गया था और उन्होंने बताया कि मेरे पीछे एक बड़ी सी नाली है और वहीं से वो शायद आया होगा। ओके, देख सकता हूँ, और ये पानी में इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसे तो तुरंत भाग जाएगा पानी के अंदर। इसका बाहर आने का मूड नहीं लग रहा है। ओके, आएगा आएगा। ओ, तुरंत भाग गया पानी में आकर, जैसे इसको जन्नत मिल गई हो ऐसा लग रहा है। चले मैं इसको छोड़ दिया इसकी नेचुरल जगह पर। फिर मेरी आपसे विनती है कि आपको पकड़ के पहले अपने सीने के साथ जाइए, उसके बाद इसको सीखने की ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे फिर से अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे दर्शनिक के साथ। सभी को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा शेयर, ताकि सभी लोग आने वाले नए वीडियो देख सके। अब जो